हाँ तो बात कर लीजिए भाई, इंडिया में व्यू V25 Pro लॉन्च हो चुका है और आपने इम्बार्गो की दुनिया भर की वीडियो ऑलरेडी वॉच कर ली होगी और वहाँ पे आपको खुलेआम बताया गया होगा कि स्मार्टफोन बढ़िया है। स्मार्टफोन में भाई कलर चेंज हो रहा, बाप रे बाप, ये फीचर कहीं देखने को नहीं मिलता, इसके बदले में आप बहुत पैसा दे सकते हो, खाली आपको स्मार्टफोन ये 36,000 की प्राइस में ही मिल रहा है। तो भाई वहाँ पे जो आपने वीडियो देख लिया होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो पे आए हो ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ मना करना चाहूँगा कि आप ये स्मार्टफोन बाय ना कीजिए। 36,000 की प्राइस के आधार पे मुझे जरा सा भी बढ़िया नहीं लगता है। तो भाई क्यों बढ़िया नहीं लगता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और भी अगर ये स्मार्टफोन नहीं लेना तो इसके बदले में आप कौन सा स्मार्टफोन ले सकते हो, आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो आरंभ। बात कर लीजिए स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.56 इंच की एक फुल HD+120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। और भाई इसके जो डिस्प्ले है आपको 3D कर्व देखने को मिलने वाला है, तो डिस्प्ले जो है कमाल और फैंटास्टिक देखने को मिल जाता है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, मतलब भाई 36,000 के प्राइस में 1300 यानी 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4X रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर तो बढ़िया है, लेकिन अपने प्राइस के आधार पे मुझे जरा सा भी बढ़िया नहीं लग रहा है। बात की जाए कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 MP का मेन कैमरा जिसमें आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और भाई बात कीजिए कैमराज के बारे में, तो भाई 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, मतलब आप कुछ समझ रहे हो, 36,000 की प्राइस में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल जरा सा भी सेंस नहीं बनाता है। मिनिमम से मिनिमम 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देना ही चाहिए था और 5 MP का माइक्रो सेंसर दे देता तो अच्छा होता, हम 2 MP से भी काम चला लेते, लेकिन यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल ज़्यादा देना चाहिए था। बात की तो इसमें आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा ठीक है, फैंटास्टिक है, आपको पूरी तरह से गोरा बनाया जाएगा अगर आप वीवो का फोन यूज़ करो। आपको बताइए भाई यहाँ पे गोरा बनाया जाता है, तो इसमें भी वो जो प्रथा है वो चालू रखी गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात कीजिए बैटरी और चार्ज के बारे में, तो इसमें आपको 4380 mAh की बैटरी और 66W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो चार्जर होगा वो आपको बॉक्स में ही देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए UI के बारे में, तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 रिंग फन टच OS 12 के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा कुछ हल्का हल्का माइनर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बात कीजिए सेंसर्स के बारे में, तो इसमें आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB Type-C का पोर्ट, जिसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, यानी आप चाहो तो 2 सिम कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो, फिर एक सिम कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ में यूज कर सकते हो। और बात ये, तो इसमें आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब भाई 36,000 की प्राइस के आधार पे मुझे जरा से भी पसंद नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। बात कीजिए सबसे भाई प्रीमियम चीज के बारे में, वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो देखिए पूरा फोन आपको ग्लास के साथ में देखने को मिलता है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। और भाई इसमें जो बहुत ज्यादा एकदम, मतलब आप भारू की वीडियो दोगे, कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, हाँ फीचर है, बहुत अच्छी बात है, पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं उसका, लेकिन मुझे ठीक लगा है। पीछे का कलर आपको चेंज देखने को मिल जाता है, तो ठीक ठाक ही है। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में 36,000 और 12/256 के साथ में आपको 40,000 प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास में HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3500 रुपये डायरेक्ट ऑफ देखने को मिल जाएगा, इफेक्टली आपको स्मार्टफोन 32,500 का देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए भाई देखिए 36,000 के प्राइस के आधार पर मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया, प्रोसेसर भी इसका कोई बढ़िया नहीं है, कैमरा भी यहाँ आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल वो भी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता, सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, भाई मेरे हिसाब से तो ये जरा सा भी जस्टिफाई नहीं करता है। अब बात कीजिए भाई इसके बदले में आप कौन सा फ़ोन परचेज कर सकते हो, देखिए मेरे हिसाब से आप IQ9SE परचेज कर लीजिए, वीवो का ही ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाई 33,000-34,000 के आसपास देखने को मिलता है, और अगर आपके पास में ICI का कार्ड है तो आपको 3,000 ऑफ यानी लगभग 31,000 का आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, मतलब भाई 888 और 1300 का भाई जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको साफ साफ मना करना चाहूँगा, 30-31 हज़ार के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप सिंपली IQ9SE ले लीजिए, 33-34 में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो परचेस कीजिए। व्यू V25 Pro को आप पूरी तरह से स्केप कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है तो आप उतना छोड़ सकते हो, भाई यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग पावर एकदम तगड़ी देखने को मिलता है, कैमरा भी जोरदार एकदम धमाकेदार है, तो इसके बदले में आप वो परचेस कीजिए IQ9SE, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, टाटा बाय बाय बोल दीजिए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।